इस साइड चल जाएंगे। इस साइड के मैंने ट्रांजिस्टर बनाए नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए काम कर रहा हूँ मैं कि माइनस प्लस वर्ल्ड में हमारे ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं। जैसे कि मैं बावन सौ इधर लगा लेता हूँ, और 1943 इस साइड लगा लेता हूँ, एक हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों 5200 की साइड प्लस है और 1943 की साइड माइनस है, यानी कि हमारी तीनों वोल्टेजेस माइनस सप्लाई माइनस ट्रांजिस्टर के साइड जाएंगे और हमारी ये तीनों प्लस की साइड जाएंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों सपोज हमने इस एम्पलीफायर में कुछ इनपुट दे दिया, यानी कि लेफ्ट राइट ऑडियो, इस साइड भी लेफ्ट राइट ऑडियो हमने दोस्तों इस साइड से अगर इसमें ऑडियो दिया है और हमारा वॉल्यूम ज़ीरो है तो हमारा पहले 45 प्लस माइनस काम करेगा, यानी कि इन दो ट्रांजिस्टर को ऑपरेट कराने के लिए। जैसे हम वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाते हैं फिर हमारा प्लस माइनस 90 काम करेगा, जैसे कि ये दो तो हमारे 45 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहे थे, फिर हमारा 90 वोल्ट इन और दो ट्रांजिस्टरों को ऑन करेगा। कैसे ऑन करेगा, जैसे हमने गेन बढ़ाया है वैसे हमको वोल्टेज की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो मॉसफेट हमारे इस साइड में जो छोटे मोटे मॉसफेट लगे होते हैं दोस्तों, ये छोटे मोटे मॉसफेट लगे होते हैं 15 और 10, 16 और 10, इस साइड भी और उस साइड भी मॉसफेट लगे होते हैं दोस्तों। ये मॉसफेट ऑन ऑफ करके क्या करेंगे, इस वोल्टेज को इस साइड भी भेजेंगे दोस्तों। जैसे कि पहले हमने वॉल्यूम कम था और थोड़ा नॉर्मल बढ़ाया तो ये दो ऑपरेट हुए, फिर दो और ऑपरेट करने के लिए 90 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और ये सब सीरीज में लगे होते हैं दोस्तों ट्रांजिस्टर। और उसके बाद जैसे कि दोस्तों हमें और गेन बढ़ाने के बाद और हमें वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, तो दोस्तों फिर इसके बाद क्या होगा कि हमारे इस प्लस माइनस 120 और 120 वोल्ट हमारे इस अगले ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करेंगे दोस्तों। दोस्तों आप सोचते होंगे कि सब ट्रांजिस्टर पैरेलल में है तो एक ही पीसीबी पे तीन वोल्टेज है तो ये आपस में शॉर्ट होंगे ये होंगे, नहीं दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे 45045 है इसे डाइवर्ट लगाया जाता है, तो डाइवर्ट रिवर्स बायोस में लगाने के बाद क्या होता है कि 45045 इसमें इन होगा तो ये वोल्टेज इसमें जब ऑपरेट करेगा तो डाइवर्ट थ्रो इसमें ऑपरेट करेगा दोस्तों, तो इनमें शॉर्टिंग होने का चांस कम है, कंपनी इसको बनाती है। जैसे कि मैं आपको एक इससे पीसीबी में बताता हूँ दोस्तों, इन लो वोल्टेज मीडियम और लो वोल्टेज के लिए क्या किया है दोस्तों, ये दो डाइवर्ट लगे हुए दोस्तों, और हाई वोल्ट के लिए क्या किया दोस्तों, ये देखो दोस्तों यहाँ पर एक डायोड लगा है दोस्तों, सॉरी आपको बताना भूल गया, यहाँ पर दो डायोड है मीडियम और लो के लिए, ये दो रेजिस्टर तो, बट हाई वोल्ट के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों एक डायोड लगा चुका है। हाई वोल्ट के लिए अगर रिवर्स बायवर वोल्टेज आएगा तो ये इसे रोक लेगा, हाई वोल्टेज को जाने नहीं देगा दोस्तों उधर, जब रिक्वायरमेंट होगी उसी टाइम ये कार्ड वगैरह ऑन कर इस एम्पलीफायर को अगली वोल्टेज भेजेगा दोस्तों। तो इस टाइप दोस्तों हमारा ये एम्पलीफायर वगैरह के कनेक्शन होते हैं, इस टाइप काम करते हैं दोस्तों। और दोस्तों जिस साइड भी अभी इन कनेक्टर को लगाएंगे दोस्तों तो वहाँ पर लिखा होगा, जैसे कनेक्टर में बना लेता हूँ ये कनेक्टर और ये कनेक्टर, किसी भी में ऐसे दोस्तों कनेक्टर बनाए होते हैं हाई मीडियम लो के लिए। तो दोस्तों इनमें ये ब्लैक कलर का हमारा ग्राउंड है, इसमें भी ब्लैक कलर का ग्राउंड है, तो इसमें एक हम GND डाल देंगे,
चारों कनेक्टर में हमने जीएनडी डाल दिया, ये एक चैनल के लिए, ये दो चैनल के लिए। बाद में इसमें आएगा दोस्तों एक प्लस सप्लाई और ये आएगी हमारी माइनस सप्लाई। अब इनमें क्या होगा दोस्तों, ये जो दो कनेक्टर है तो ये प्लस के जगह ना लगे इसलिए क्या करते हैं कंपनी, इसमें कुछ लॉक सिस्टम बनाती है। देखिए दोस्तों, इस साइड एक लॉक है और इस साइड लॉक है, वैसे ही इधर भी लॉक है उधर भी लॉक है। और दोस्तों इस कंपनी इस वायर को थोड़ा एक एक बड़ा वायर और एक छोटा वायर रखती है कि जब ये पीसीबी में लगे तो एक साइड इस माइनस की साइड जाएगी और एक साइड इस प्लस के साइड जाएगी। ये आपस में नहीं लगते, ये एक साइड माइनस जाएगी और एक साइड प्लस जाएगी। उसी तरह दूसरे चैनल की भी दोस्तों इस साइड माइनस आएगी अपना, सॉरी दोस्तों इस साइड माइनस आएगी और इस साइड प्लस आएगी। ये आपस में कुछ इस टाइप वायरिंग रहती है दोस्तों, ये शॉर्ट आपस में इधर के उधर शॉर्ट ना हो इसलिए कंपनी से एक छोटा एक बड़ा बनाती है। ये जो छोटा वायर है इस साइड लग जाएगा, यानी कि इस साइड लग जाएगा तो उस कंपनी का जो प्लस वाला होगा उसे छोटा कर कर इस साइड लगा देगी, यानी कि इस साइड दो माइनस माइनस और इस साइड दो प्लस प्लस, इस टाइप ये काम करता है दोस्तों। और इनमें जैसे कि आपको मैंने ग्राउंड बताया और ये बाकी के माइनस वोल्ट यानी कि VH, VM और VL, ठीक उसी तरह VH, VM और VL इधर भी लिख लेता हूँ मैं, ये माइनस प्लस वोल्ट की आपकी सप्लाई है दोस्तों, ये 120, ये 90 और ये 45, इस टाइप सभी में कनेक्शन हो गए दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और भी कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो मुझे कमेंट वगैरह करिए दोस्तों, आपके कमेंट के जवाब में जल्दी कोशिश करूंगा देने की दोस्तों। और इस चैनल में और कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट वगैरह करते जा दोस्तों। आपको एक और छोटा छोटा बता देता हूँ मैं, जैसे कि जब हम एम्पलीफायर ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हमारे इस ट्रांजिस्टर के बीच वाले सिरा यानी कि कलेक्टर, इस कलेक्टर पे जो भी वोल्ट आते हैं इस फ्यूज़ थ्रू आते हैं, तो इस फ्यूज़ पे जब एम्पलीफायर जब हम ऑन करते हैं तो एम्पलीफायर ऑन करने के कंडीशन में इस 20 वाले कलेक्टर पर हमें 45045 या 50 या 60 वोल्ट के भीतर ही मिलने चाहिए दोस्तों। अगर 120, 130 या ज़्यादा हाई वोल्ट मिल रहा है 50-60 से, आप जैसा जैसा गेन करोगे वैसा वैसा इस इन सभी के कलेक्टरों पे वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट होगी, जैसे कि 45 से 90, 90 से 120, जितना ज़्यादा गेन आप बढ़ाओगे उतने उतने वोल्टेज इन पर बढ़ेंगे। बट अगर डायरेक्ट आपके इस पर ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं तो आप क्या करें, इस साइड के ये, हाँ ये माउस पैड आप चेंज कर दिए, उस साइड के भी माउस पैड चेंज कर दीजिए। कभी कभी माउस पैड में हमारा सही से काम नहीं कर रहा हो, करता हो या कार्ड वगैरह सही से काम नहीं करता हो तो इधर ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करते हैं दोस्तों। अगर ज़्यादा वोल्टेज इस साइड जनरेट होगा तो इन ट्रांजिस्टरों की हीट बढ़ेगी, और हीट बढ़ने के बाद जैसे हम वॉल्यूम वगैरह खोलेंगे तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा दोस्तों हमारा चैनल, ये प्रॉब्लम कर देगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आईसी बताई थी दोस्तों, ये 55-3200, चलो इसका भी बता देता हूँ आपको मैं, दोस्तों इसमें 8 पेयर का आईसी दोस्तों, ये इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 दोस्तों, 8 नंबर 15
प्लस हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, वैसे ही 15 माइनस, ये प्लस माइनस की वोल्टेज आपको 4 नंबर और 8 नंबर पर चेक करना है दोस्तों। अगर आपका प्रोटेक्शन एम्पलीफायर, जैसे कि आपका एम्पलीफायर है, हम जैसे ही बटन आपके ऑन करते हो, जैसा वैल्यूम बढ़ाते हो और प्रोटेक्शन में जाता है एम्पलीफायर हमारा, तो इस आईसी का प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इस आईसी के 8 नंबर और 4 नंबर प्लस माइनस वोल्टेज आपको चेक करना है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर, इनमें से हम स्पीकर का आउट लेते हैं। स्पीकर का आउट यानी कि समझो हमारा ऑडियो का आउट है दोस्तों, इसमें से ये हमारे ऑडियो को हाई गेन में, हाई गेन बढ़ाकर इन ट्रांजिस्टरों पे भेजती है, ड्राइवर ट्रांजिस्टरों को भेजती है दोस्तों। ये अगर इधर गलती से कोई भी मिस्टेक होगा, यानी कि जैसे आईसी खराब हो गई, तो भी आपका एम्पलीफायर प्रोटेक्शन बताएगा सब सब ओके, आपका ट्रांजिस्टर वगैरह एम्पलीफायर वगैरह सब ओके। फिर भी अगर एम्पलीफायर ऑन करते हुए अगर आपने वॉल्यूम भी बढ़ाया, तो ये डायरेक्ट प्रोटेक्शन में बताएगी, तो इस आईसी का फॉल्ट होगा दोस्तों। इस आईसी का नंबर आप याद रख ले दोस्तों, 5532, यानी कि 5532। ये हर इनेक्स ऑडियो कोई भी कंपनी का प्रोफेशनल एम्पलीफायर दो, इसमें ये आईसी लगा होगा दोस्तों। इस आईसी को चेंज करने के बाद आपका उस प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम हट जाएगा दोस्तों। उसके बाद जैसे कि दोस्तों समझ लो इसमें माइनस प्लस वोल्ट चल रहा है, यानी कि हमारा माइनस प्लस वोल्ट मिल रहा है इसको, बट उसके बाद भी अगर हमारा 7 नंबर 6 नंबर जैसे कि हमारा ऑडियो आउट है, और 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर, इन पे अगर माइनस वोल्ट भी आता है, जैसे कि 3 वोल्ट 4 वोल्ट या 5 वोल्ट, यानी कि 5 6 7 8 9, ये वोल्ट अगर इसमें आता है 2 से लेके 9 तक, तो ये आईसी हमारा ख़राब है दोस्तों। तो आप डायरेक्ट इसे चेंज कर दीजिए, आपका प्रोटेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।